पार्टी भी करेगा, अपने च्यू टॉय के साथ खेलेगा भी। ये चीज क्या प्रिवेंट करती है कि आपके घर के अंदर डिस्ट्रक्शन ना हो। मोर ओवर अगर आप कभी भी कहीं जा रहे हैं तो आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम एडजस्ट हो जाता है, अपने बोरेडम से फाइट कर चुका होता है विद द च्यू टॉय, जो हम जिसके अंदर थोड़ी सी ट्रीट डाल दो या कुछ खाने का सामान डाल दो तो उसको चबाता रहेगा। लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट में उसको पता है कि उसको डेजिग्नेटेड एरिया में जाके ही टॉयलेट करना है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट की। शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट ये होता है कि घर के अंदर एक छोटे से एरिया के अंदर उसको आपने बेडिंग लगा के दिया जिसमें उसका टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं है। ही हैज़ टू होल्ड, जो आपने उसको ट्रेनिंग दिया कि टॉयलेट अगर तुम्हें आया तो यू हैव टू टेल बाय मेकिंग सम साउंड, ठीक है। इवेंचुअली उससे क्या होगा, ओनर को ये पता चल जाएगा व्हेन ही हैज़ टू रिलीव हिमसेल्फ। इस चीज़ के अंदर आपका घर बच जाता है। शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट भी अच्छी है, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट, ताकि लोनलीनेस इनके एंजाइटी लेवल ना बढ़ाए। तो मिलते हैं आपसे अगली बार।